बनाऊंगा। वृंदावन में पिछले कई दिनों से वीडियो में दिखने वाली महिला द्वारा पब्लिक प्लेस पर जानबूझकर हंगामा किया जाता है, जिसमें इसके साथ इसकी माँ और एक लड़का जिसे अपना बेटा बताती है। चौंकिए नहीं, यह तीन लोग नहीं हैं, इस गैंग में और भी बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी यह हंगामा होता है वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसके बाद जब हंगामा शांत होता है तो पता चलता है कि किसी का मोबाइल गायब है, किसी की जेब से पैसे निकल गए हैं। मुझे बताओ तुम मर्द किसने बनाए हो? मर्द किसने बनाए हो तुम? पैदा किसने करे हो? एक माने तुम्हारी बात रख तो रहा है इसमें। औरत आने तुम्हारी फैमिली में औरत आई तो तुम बाप किसने बनाए? तुम्हारी बात सब सकते हो, तुम्हारी बात रख तो रहा है, तुमने कोई माफी तुम और ही मांग रहे हो। पैर छू चल, पैर छू, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, दो दिन पूर्व हरिकुंज चौराहे पर एक हेयर कटिंग सलून में भी इस महिला ने देखिए हंगामा किया और उस बच्चे की जो साथ में है पिटाई भी की, और फिर वही हुआ, कुछ लोगों के मोबाइल गायब हो गए, उसके बाद ये वहाँ से चली गई। वृंदावन में जब राम बारात निकल रही थी उस दिन भी इस महिला ने हंगामा काटा, और जब हंगामे के बाद लोगों ने देखा एक का मोबाइल गायब हो गया और एक व्यक्ति के लगभग 17,000 जेब से गायब थे। वहीं और भी लोगों ने इस तरीके की शिकायतें की। परिक्रमा मार्ग स्थित गौरी गोपाल आश्रम के बाहर भी इस महिला ने हंगामा काटा और घंटों राह चलते लोगों को और परिक्रमार्थियों के साथ मारपीट करती रही। वहीं प्राइवेट सुरक्षाकर्मी महिलाएं व पुलिस भी इस महिला के सामने लाचार दिखाई दे रही थी, क्योंकि यह महिला होने का फायदा उठा रही थी। वहीं उसकी मां और बेटा भी इसके साथ कृत्य में साथ दे रहे थे, किंतु जैसे ही पुलिस ने इस पर काबू पाया और इसे लेकर अस्पताल गई, उसके बाद वहां देखा कि बहुत सारे लोगों के मोबाइल और पैसे गायब थे। इसका मतलब साफ है कि यह महिला अकेली इस हंगामे में शामिल नहीं है, बल्कि इसके साथ और भी लोग काम कर रहे हैं, जो भीड़ इकट्ठा होने पर हाथ साफ कर देते हैं, क्योंकि यह ड्रामा इस तरीके से होता है कि लोग सब कुछ भूलकर बस इसी पर कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप कहीं इस तरीके का ड्रामा देखने खड़े हैं तो आप अपनी जेब और मोबाइल का ध्यान रखें। अब देखने वाली बात यह है कि महिला फिलहाल अस्पताल में है, पुलिस इसके साथ क्या करती है यह तो भविष्य के गर्त में है, या इसी तरीके से वृंदावन में आए दिन ड्रामा होता रहेगा और लोगों का जीना मुहाल होगा। इस महिला द्वारा लोगों को भद्दी भद्दी गालियां भी दी जाती हैं, जिसे सुनकर लोग अचंभित हो जाते हैं कि यह एक महिला होकर भी इस तरीके से गाली गलौज कर सकती है। ये रहा है।